हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं खरबूजे का मिल्क शेक, जिसे मशमेलन मिल्क शेक भी कहा जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक खरबूजा ले लिया है। मैं खरबूजे को इस तरह से कट कर लूँगी ऊपर से, ताकि मुझे पल्प निकालने में आसानी हो। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब इसके अंदर से चम्मच की हेल्प से सारा पल्प हम निकाल लेंगे। पल्प को कुछ हम इस तरह से निकालेंगे, ताकि खरबूजे में हमारे लिए स्पेस बच जाए, जिसमें हम मशमेलन का मिल्क शेक रखें। अब इसके बीज भी हम निकाल लेंगे और उसे भी साइड में रख लेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसे पूरा खोखला कर लेंगे। देखिए, मशमेलन अब खोखला हो चुका है, तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब एक जार ले लेंगे और मशमेलन के आधे पार्ट को हम जार में डाल देंगे और आधा पार्ट हम बचा करके रख लेंगे और इसका जूस जो निकला हुआ है वो भी इसी में डाल देंगे। अब आधे पार्ट को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम फिर से जार ले लेंगे। अब इसमें हम 3 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम मिल्क ऐड कर देंगे इसमें, साथ ही हम थोड़ी सी इसमें बर्फ ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ग्राइंड हो चुका है, इसे अब साइड में रख लेंगे। अब हमारे मशमेलन में हम कटे हुए पीस डाल देंगे। अब जो हमारा मिल्क शेक है वो उसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जो हमने बारीक कटे हुए थे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी हम इसमें हनी ऐड कर देंगे और इसी की कैप से हम इसे ढक देंगे। तो लीजिए, हमारा मशमेलन मिल्क शेक बनकर के रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट कर दें। थैंक यू।